Hakim menembak Marana Asyami Fahri ini kita Hayatul Muslim ini जिसके बारे में हजरत ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि इस किताब के वजह से मेरी मफरत हो जाएगी। तो वह देख रहा था हयात मुस्लिमीन और दुआ की अहमियत को बयान फरमाया। मैंने तिलावत कुरान बताने बयान कर चुका है, फिर कल जिक्र के मतलब बयान हुआ, आज बता दुआ के मतलब भी बयान कर, क्योंकि दुआ के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हो मुखल इबादत फरमाया अद्दुआ मुखल इबादत। मान में रवायत है कि अद्दुआ हमारे इबादत, इबादत ही दुआ है, क्योंकि इबादत जो है अल्लाह के सामने झुकने का, अपने मोहताजगी के इजहार का ये खास मकाम है, अल्लाह से न जाने से अल्लाह है, इसलिए दुआ की बड़ी फजीलत है। जितना अज्र जाहिर करता है आदमी बेदारी अपनी मुफलिसी उतनी दुआ मांगो है, चला चल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं ना अब्द कर अब देगा वो अब अब देगा अल्लाह मैं आपका बंदा हूँ और आपके बंदे ही का लड़का हूँ, आपके बाद ही का लड़का जो आपकी बड़ी फजीलत है सब मिल जाते हैं। तारीख में भी जब शुरू का अभी तय करता आगे चलता है तो एक मकाम ऐसा होता है कि शेख दुआई को छोड़ देता है, अब हमारे बस में नहीं तुम दुआ से आगे बढ़ो, इन जना पर अभी ख्याल मन में दुआ को बताइए सुना हुआ एक धर्म माँ थाने अंदरा किताब, दूसरी ये कि दुआ के मुतालिक खास एहतमाम किया है और हमारे लिए ब्याज फरमाते रहते हैं दुआ के मुतालिक। अरे माता जी के कौन मकर क्या मैंने मौसम उठाते हैं बहुत खुश है। मैंने कहा दुआ में दो जहत है, एक इबादत की जहत है एक दरख्वास्त की जहत है। दुआ मुखुल इबादत का इबादत का बात मालूम हुआ कि दुआ इबादत है। अगर तुमने दुआ किया और कबूल ना हुई बताए तो इबादत मिल गई तुमको, नमाज पढ़ा कबूल नमाज तो मिल गई। दुआ जो मुखुल इबादत है तो दुआ की शान इबादत के लिए है, वो दुआ चाहे जो आपने मतलब माना था न भी मिला तो इबादत मिली, अगर वो चीज़ भी मिल गई तो इबादत भी मिल गई और हाजत भी मिल गई। मोहतमी का इतना खुश हुआ मारा मोहतमी यहाँ के इतना ही बड़ी मजा है। मैं कहीं रास्ते में बयान किया था बोला मैं कह सकता कि ना खुशी कहा मेरे दिन कर जब भी दुआ और खास हो गए तमाम से कर दुआ करना इबादत की शान जो है वो बाहर आ पाए। आपने दुआ किया इबादत एक कर लिया जिसे वैसे कहा मुखुल इबादत इबादत का मतलब है तो दुआ करने में चाहे दुआ कबूल हो या ना मकसद आपका ना हासिल हो लेकिन दुआ जो असल मकासद है वो हासिल है। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे, उसी बाप को मैं सुनाना चाहता हूँ, अल्लाह ताला हम सब को सुनने की और अमल करने की तौफीक बरकत फरमाए। फरमाते हैं हजरत माँ थाने फरमाते हैं कि हयात मुजमी लिखने में तो बहुत मुझे मेहनत मिली, खुद फरमाते हैं और मुझे अपने मफरत की इस किताब से उम्मीद है, वो किताब सुना रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी इसे हर से वाफ़ अता फरमाए और कबूल फरमाए। फरमाते हैं हर चीज जिस चीज की जरूरत हो हाँ वो दुनिया के काम हो या दीन का, हाँ उसमें अपनी भी कोशिश करना पड़ेगा,
हाँ अपनी कोशिश काबू से बाहर हो, सब खुदा तआला से मांगा करे, हाजत को अल्लाह से मांगा करे। लेकिन इतना ख्याल जरूर रहे कि वो गुनाह की बात ना उनको चोरी में इतना रखा हो जाए कि ये ना हो। दुआ ऐसी हो जो जाए चीज की दुआ हो, इंशाल्लाह जरूर कोई नहीं कह सकता, मगर गुनाह के बाद ये गुनाह का पूर्ण रखने के लिए दुआ करने लगे ये मिल मिल जाए बोला रहे हैं। मगर इसमें सब बातें आ गई, जैसे कोई खेती या सौदागरी करता है तो मेहनत और सामान भी करना चाहिए, मगर खुदा ताला से दुआ भी मांगना चाहिए, दुआ का सिलसिला। अब जो मालूम करने हैं इंतजार इस दुआ आदमी का मामला है दुआ। एक किस्सा मेरे मौलाना मोहम्मद अहमद साहब से सुना था, याद आया, इंतजार करता हूँ। अकबर बादशाह शिकार करते करते जंगल के किसी मौके पर पहुंचा, किसी जगह पर उनको बहुत प्यास लगी हुई थी, बहुत प्यास। एक झोपड़ी में अकबर जो कोई हिंदुस्तान का बादशाह, प्यास उसको भी लगी और पानी की उसको भी जरूरत पड़ी, बंदा मोहताज है, एक घोट पानी का मोहताज, एक घोट रुपये का मोहताज। इनमें बम्बई में सैलाब आया था बहुत ज़बरदस्त, अखबारों में मैंने खुद देखा कि वो लोग झोपड़ियों तक देखते नहीं थे, झोपड़ियों में गए पानी के लिए लोगों के लिए, ये अल्लाह के साथ देखा देखा एहतियात का आना वो मुश्किल नहीं थे। कब मोहताज हो जाएगा, कब एक रोटी का मोहताज हो जाएगा, कुछ पता नहीं। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों को जब पानी पिलाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो भूख लगी, शरीर भूख लगी, साय में जाके बैठ गए और सवाल गए राह में भूखा हूँ। शुएब अलैहिस्सलाम की लड़कियों से अजर नहीं मांगा, मजदूरी नहीं मांगा, लेकिन अल्लाह के बैठ गए, साय में बैठे, धूप में नहीं बैठे। इससे नुकता माथा में लिखा है कि ऐसे मौकों जरूरी नहीं कि वो शक्ल की जगह बैठे, राहत की जगह जा बैठे, साय में बैठे। कुरान कहता है और कहें अल्लाह मैं मोहताज हूँ। नबी मखलूक से अपनी हालत को पेश नहीं करता, बकरियों के पानी पिलाया था शुएब अलैहिस्सलाम से, वो मांग सकते गए मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए साय में, कहा अल्लाह मैं मोहताज हूँ। हजरत अली नजर फरमाते हैं कि उन्होंने रोटी का सवाल किया, एक रोटी अल्लाह मुझे रोटी, रोटी का सवाल मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, लेकिन अल्लाह से किया है। नबी भी मोहताज होता है, रोटी का सवाल किया लेकिन किससे, अल्लाह से किया। सवाल जाए अल्लाह से, इस बिना पर दुआ में एहतियात का इजहार होता है, दरख्वास्त करता है, अपने आदमी का इजहार करता है। तो अकबर बादशाह जंगल में घूम गया, पानी एक छप्पर में गया, वहाँ पानी पिया और कहा उस आदमी से, भाई तुमने पानी पिया, जब हमारे यहाँ आना कभी तो अपनी हालत का तुम इजहार करना है। कहा बहुत अच्छा, पूछो क्या छप्पर। गया अकबर के दरबार में, मैंने खुद मोहम्मद अहमद साहब से सुना, गया तो अकबर उस वक्त अच्छा दुआ कर रहा था, तो उसे पूछा कि ये अकबर बादशाह यही था, कहा किससे कुछ मांग रहा है, क्या मांग रहा है। कहा इसको ज़रूरत पड़ी है तो अल्लाह से मांग रहा है। कहा अल्लाह से मांगने की इसको भी ज़रूरत है, जब इसको भी अल्लाह से मांगने की ज़रूरत है फिर मैं इससे नहीं मांगूंगा, अकबर में भी अल्लाह से मांगूंगा, मुझसे मीना भी नहीं चला गया, इतनी मार्फत होगी। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जाता है, जब ये भी मांगता अपनी हाजत को किसी राह से तो उसी राह से मैं नहीं मांगता। अल्लाह मौत यह है कि अल्लाह है, अलमौत यह हो अल्लाह अंतर माधो। एक साहब ने किसी की सिफारिश लिखा दी बादशाह को,
तो लिखा क्या, अंतर के अंतर मोती व अंतर मटकी, अलमोती हूँ अल्लाह, देने वाला अल्लाह है, तुम्हारा हम शुक्र अदा करेंगे, और नहीं देंगे नहीं दोगे तो अलमान हो अल्लाह व अंतुल माधूर, वहाँ तो मशहूर यहाँ माधूर, न देने वाला अल्लाह है, माने अल्लाह है, तुम बादशाह हो लेकिन बड़ा अल्लाह नहीं, लेकिन तुम माधूर हो, वहाँ क्या अलमौत हो अल्लाह वो अंतर मशहूर, अल्लाह देने वाला है, तुम्हारा शुक्रिया अदा किया जाएगा, भैया तुम नहीं दोगे तो अंतर माने, तो अंतर कहते हैं अल्लाह माने, अल्लाह मना करने वाला है, तुम माधूर मोमिन की नजर अल्लाह पर है, बस ऐसा देखा, बहुत उलमा ने इसकी तारीफ की है, बार और अकबर ने कहा कि मैं भी अल्लाह से मानूंगा, जब ये अल्लाह से मानता है तो मैं भी अल्लाह से मानूंगा, ये सिफत होनी चाहिए हर मोमिन के अंदर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मामूली मामूली चीज़ को अल्लाह पर पेश करते थे, मामूली चीज़ें पेश करते थे, ये अबदियत का तकाजा है, ज़रूरत नहीं बल्कि अबदियत का तकाजा है, इधर दुआ का बाप खोलना चाहिए हम लोग, अल्लाह देने वाला है, हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब मार साहबुल्ला साहब माँ बाप सबको हमने दुआ करके दे पाया, एक बहुत बड़ी मुश्किल कोई चीज़ थी, आए मौलाना इलाहाबाद में अपने मारे, क्या वो काम हुआ, कहा हजरत नहीं बैठ गए, कहा तुमने अल्लाह से नहीं कहा, अल्लाह से कहा, हाकिमों से नहीं हुआ, आप भूल हाकिम तो मौजूद था उसे कर देने वाला अल्लाह ताला, मौती हकीम के अल्लाह ताला, इस बिना पर हमारी आपकी सबकी नजर अल्लाह पर होनी चाहिए, अल्लाह मदद करने वाला है, फरमाते हैं लेकिन इतना ख्याल रखिए कि गुनाह की बात हो, इनमें सब बातें हैं, जैसे कोई खेती या सरदागरी करता है तो मेहनत तो सामान भी करना चाहिए, मगर खुदा तारा से दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह इसमें बरकत अदा होगा और नुकसान से बचा, या कोई दुश्मन सताए, हाँ दुनिया का दुश्मन हो, हाँ दीन का दुश्मन हो, तो उससे बचने की तदबीर भी करना चाहिए, खा वो तदबीर अपने काबू की हो या खा हाकिम से बड़े लेने पड़े, मगर इस तदबीर के साथ खुदा तारा से दुआ करना चाहिए, दुआ बहुत जरूरी है। हमारे कुछ नाम अमरान साहब है जी, देखो खाना है शहरी पैदा करना अल्लाह है, बहुत दुआ को बहुत कराम करते थे अमरान साहब के, अल्लाह हम सबको इसकी तरफी बरम करता है, अगर कोई बीमार हो तो दवा भी करना चाहिए, मगर खुदा तआला से दुआ भी मांगना चाहिए कि अल्लाह इस बीमारी को दूर फरमा दे, या अपने पास कुछ माल है तो उसकी हिफाजत का सामान भी करना चाहिए, जैसे मजबूत मकान में मजबूत कुफ लगा कर रखना चाहिए, या घर वालों को या नौकरों के लिए से उनका पहरा बना देना चाहिए, देखभाल रखना, मगर उसके साथ साथ खुदा तआला से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह इसको माफ़ है, अल्लाह कुछ लोगों को दूर करता है, माल चोरी हो जाता है, लेकिन अल्लाह बता रही दिल्ली में बहुत तफ्ती से है, इसको चोरों से माफू रखो, कोई मुकदमा कर रखा है इस पर किसी ने उसकी पैरवी भी करना चाहिए, वकील और गवाहों का इंतजाम भी करना चाहिए, मगर उसके साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए, इबादत में भी अल्लाह इबादत इतनी इबादत कर रहा हूँ, मगर दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ये इबादत हमारे कबूल के दायरे नहीं है, मगर आप अगर फजल गर्व से इसको कबूल करवा दीजिए, ये तरीक आजिजी का और अजल फख्र, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आदमी मेरे लिए फख्र अल अजद फख्र, अल्लाह के सामने रोना ये गाना आदमी करना, ये बंदे का काम, बंदे को ऐसे ही रहना चाहिए, अरे अल्लाह इस मुकदमे में उसको फता दे और जालिम के शर से उसको बचा,
या कुरान इनके दीन हासिल करा है तो उसने जी लगा कर पाबंदी से मेहनत करना चाहिए। कोई इबादत कर रहा है, इल्म सीख रहा है तो मेहनत भी करना चाहिए ताकि इल्म हासिल हो जाए, मगर उसके साथ दुआ भी करनी चाहिए, ए अल्लाह इसको आसान कर दो, इल्म की तहसील में अल्लाह आसान कर दो। बड़ी दौलत है इल्म, इस वजह से अल्लाह की तरफ इसमें पुर रब निजी इल्म। अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप कहिए कि मेरे इल्म को बढ़ा दीजिए। किसने इल्म अल्लाह ने दिया था, मगर फरमा रहे हैं अल्लाह तालीम दे रहा है अपने नबी को, कहिए कि हमारे इल्म को बढ़ा दीजिए। इल्म दे रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, मगर ये दुआ को हाथ से ना जाने दीजिए। मेरे जहन में अगर जमा दे नमाज वाला शुरू किया है या बुजुर्गों बतलाने से अगर लगे तो सुस्ती है नर्स के बहिना बहरा का मुकाबला करके हिम्मत के साथ उसके नमाज नमाज की तारी है। दिल से नमाज पढ़ो, कोशिश करो करना चाहिए, मगर दुआ भी करता रहे कि अल्लाह मेरी मदद कर कि दिल में खुशबू पैदा हो जाए, नमाज में हमारे खुशबू पैदा हो जाए, एक सुई पैदा हो जाए, इसकी दुआ भी करते रहे और उसको हमेशा इसकी तौफीक दे नमाज इसको कबूल करवा। ये नमूने के तौर पर चल पाए चीज़ें हमने नहीं दी, रसानी कर रहे नमूने के तौर पर इबादत में भी अल्लाह की तरफ रुझू, अपनी तैयारी में भी अल्लाह की तरफ रुझू, अपनी जरात में भी अल्लाह की तरफ रुझू, हर काम में जो कुछ कर रहा है अल्लाह की तरफ रुझू दे। अल्लाह आप ही इसके अंदर कबूलियत करेंगे, ये सब कुछ होगा मैंने कबूल, हर काम हर मुसीबत में इसी तरह जो अपने करने की तदबीर है वो भी करें और सब तदबीरों के साथ अल्लाह ताला से आज ही और तवज्जो के साथ अर्ज भी करता है कि अल्लाह ये मकसद पूरा करवा दी। अल्लाह असल चीज़ है और जिस काम में तदबीर का कोई दखल नहीं है उसकी तमाम कोशिश दुआ में खर्च करना चाहिए। जो चीज़ ऐसी है कि कोशिश वाली बेकार वहाँ है तो जितना वक्त कोशिश में खर्च करता है उतनी दुआ में खर्च करना चाहिए। कितना किसको नहीं बनिए ठंडी लिख रहे हैं, तकबीर भी करो और दुआ भी करो, तकबीर का मौका है तकबीर भी करो उसके साथ दुआ भी करो। अगर तकबीर का मौका नहीं है तो उस वक्त को भी दुआ में खर्च करो, कितनी मदद आता है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। बहुत कोई हजरत बादशाह सुना था किसी भी देखते थे कि भाई उससे दुआ कर रहे थे, कहते थे बहुत अच्छी दुआ कर रहा है, दुआ अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। वबा और ताऊन से महफूज रहना या काबू याफ्ता जालिमों के शर से बचना, उन कामों को बनाने वाला तो वजू खुदा के कोई भी नहीं, बीमारियाँ हैं क्या कर सकते हो, अल्लाह से दुआ करो। हाकिम है जालिम है जाली है उसके शर से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि अल्लाह मलिकुल नास है, कोई और मलिक अल्लाह तमाम लोगों का मालिक अल्लाह है, बादशाह अल्लाह है, यहाँ का बादशाह मजादी है और वो बादशाह की यकीनी है हकीकी है, उन्हीं रुझ सब कुछ इसमें है। कुल और नाश मान लोग परेशान करते हैं, कहते हैं रब ना तो फलाए अल्लाह से है रुझ करो, मलिक नाश सबका मालिक तो अल्लाह है उसी तरह रुझ करो। मुझे याद आया हर सारी इंदा सब मक्का मुकदमा में रहते थे, एक डॉक्टर की कोई कमरा था वहाँ झगड़ा था, वो हजरत के घर में देखता है, लोगों ने कहा हजरत वो बेअदबी करता है आपके घर खाने में देखता है, उसके लिए नालिश करनी है कचहरी में, नालिश करनी है मुकदमा दायर करनी है। कहा हमारा काम अगर ये जाहिरी में नालिश करना नहीं है, यहाँ लालिक को जब कचहरी अग्नि हकीकत में हम नालिश कर चुके हैं इसके बदले,
जहाँ गाड़ी कचहरी में गाड़ी चली जाए मुकदमा है, लेकिन हकीकी जो है अल्लाह ताला की उसमें हम गाड़ी कहते हैं। मालूम हुआ कि हमारे बुजुर्गों को ये भी मालूम है अल्लाह ताला हम सबको इतनी कुवत हिम्मत यकीन अता फरमाएँ कि अपने बुजुर्गों को इन तरीक़ों को यानी गाड़ी कचहरी में जाना नहीं चाहे, वहाँ बातें कचहरी अल्लाह की उसमें हम गाड़ी उसको बदले कर चुके हैं। ये तदबीर के कामों में जितना हिस्सा तदबीर का है, इन बेतदबीर के कामों में हिस्सा तदबीर का भी दुआ ही में खर्च करना चाहिए। गलत तदबीर के कामों में जो तदबीर है कुछ दुआ हो और बेतदबीर के कामों में तदबीर की जगह भी दुआ ही हो, यह तो थाली लिख रहे हैं। तदबीर नहीं हो सकती, दुआ तो हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत से हमारे लोग दुआ में लगे हुए हैं, यहाँ भी और ये सिवाई दुआ भी हो रही है, अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल करना है। तो इसमें ज़्यादा दुआ हुई और दुआ फकत इसका नाम नहीं, दुआ फकत इसका नाम नहीं कि दो चार बातें याद कर ली और नमाजों के बाद उसको इसी जबान से आम मोहतर जरा पढ़ दिया है, तो ये दुआ नहीं, मैं दुआ की नकल है। दुआ की हकीकत, दुआ की हकीकत अल्लाह के दरबार में दरख्वास्त पेश करना है। दुआ की हकीकत अल्लाह के दरबार में दरख्वास्त पेश करना है। जिस तरह हाकिम के यहाँ दरख्वास्त देते हैं, कम से कम दुआ इस तरह तो करना चाहिए। हाकिम को कोई अर्जी देता है कि सोच देता है कि ये कबूल करेगा और हमारी जरूरत पूरी करेगा, जो हमको जरूरत वाली अकाउंट है उसको दूर करेगा। इतनी तवज्जो तो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए कि दरख्वास्त देते वक्त आंखें भी उसी तरह लगी हुई हों और दिल भी हमारे उसी कमर पर दिया हुआ, फिर उधर बात दुआ करने का आंखें भी कि अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, दिल भी लगा हुआ कि अल्लाह हमारी जरूर मदद फरमाएगा। दुआ हजार सिखा रहे हैं, दुआ सूरत भी आगे बढ़ाते हैं, सूरत भी आज से बना हो। अगर जबानी कुछ अर्ज करना होता है तो कैसे अदब से गुफ्तगू करते हैं, अपनी अर्जी मंजूर होने के लिए पूरा जोर लगाते हैं, इस यकीन दिलाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं और इस कि हमको आपसे पूरी उम्मीद है कि हमारी आप दरख्वास्त पूरी करेंगे। हाकिम के सामने भी अपनी ज़रूरत को पूरी तरीके से अदा करते हैं, आजीजी की सूरत बनाते हैं, खुशामद करते हैं एक हाकिम के सामने, तो अहकमुल हाकिमीन के सामने क्या रवैया होना चाहिए। दिल में अज़्र हो, रियाज़ हो, एहतियाज हो और ये समझता हूँ कि हमारी हर एहतियात को पूरी कर सकते हैं, फिर भी अर्जी की माफी भूखना हो और हाकिम अर्जी देने वाले के सामने अफसोस जाहिर करें कि तुम्हारी मर्जी वहाँ से तुम्हारा काम ना हुआ, ये शख्स फौरन ये जवाब देता है पूरे मुझको कोई रंज या शिकायत नहीं होगी, कानून कहने इसी मामले में कानूनी में जानना थी जो अब एहसास करेगा हमारे कानूनी में जाननी थी कि आप नहीं कर सकते माफी बदला है, या अल्लाह ताला के लिए समझो कोई जवाब बोलिए तो समझ लो कि कोई बात थी, कोई नफ्स था इस सवाल में जिसकी मैं आप अल्लाह ने कबूल नहीं किया, ये नहीं कि हमने दुआ किया अल्लाह ने कबूल नहीं किया, नहीं समझना चाहिए कि जो दुआ का जो हक था हमने क्योंकि अल्लाह ने दिया है, इस यहाँ पर अल्लाह वाहिबुल हकीया जो है उसी हमारी दुआ को है। आज ही दुआ के मांगने की भी सूरत, उसके बाद ना कबूल होने की हिदायत क्या होना चाहिए, ये सब कुछ कह दिया है बहुत जाने हमारे माता लिखी है। हाकिम अर्जी देने वाले के सामने अफसोस आए गए कि तुम्हारी मर्जी माफी तुम्हारा काम नहीं हुआ, ये शख्स फौरन जवाब देता है मुझको कोई रंजी या शिकायत नहीं, इस मामले में कानून ही में जानना थी, हमारे दावा ही में जान नहीं था, इसलिए आप मजबूर थे कि खजना हमारे खिलाफ है, मेरी पैरवी ही में कमी रह गई थी, हुजूर ने कुछ कोताही नहीं फरमाई, और इस हाजत के आइंदा भी ज़रूरत हो तो कहता है कि मुझको नाम ही नहीं है, फिर आपसे करता रहूँगा, इस मतों फर्जा आपने खराब किया हमारी कोताही मेरा पर, अब कोई फिर ज़रूरत होगी फिर आपके फिर में पेश करूँगा,
और मैं चाहूँगा कि हमारे अजीबों को कबूल करना है, फिर अगर नहीं कबूल किया फिर उसको मालूम था अपने मार उसको मालूम चलेगा अपनी कोताही। और असल बात यह है कि मुझको हुजूर की मेहरबानी काम होने से ज़्यादा प्यारी है, ये कहेगा हाजिर जी कहेगा। काम तो खास वक्त या महदूद दर्जे की चीज़ है, हुजूर की मेहरबानी बाकी रहे है तो उम्र भर ही काम हमारा होता है। ये नहीं उधर बह गया कि मुकदमा खराब भी हो तब भी हाकिम से जाके लड़ता नहीं आती। अब आप खुद ही सोचिए कि दुआ मांगते वक्त और दुआ मांगने के बाद जब उसका कोई जरूर न हो खुदा तारे के साथ ऐसे ही बर्ताव करते हो या नहीं बताओ, हाकिम के साथ ये मामला है और अल्लाह ताला से फौरन तो बर्तन हो जाते हो, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह से दूर रहते ही नहीं होना चाहिए। हाकिम से जब दूर नहीं होता आदमी तो अहकमुल हाकिमीन से कैसे दूर होता है। वक्त केवल जब चाहो, हाजिर क्या कहता है, वक्त केवल रोज जब चाहो अल मालूम कर लो, नमाजों के बाद का वक्त भी तुम ही ने छा रखा है, अलबत् वक्त दूसरे वक्तों से ज़्यादा बरकत का है, उसे ज़्यादा दुआ करो नमाज के बाद, फरमा रहे हैं कि नमाज के बाद ज़्यादा दुआ करो। बाकी और वक्त में उसका सिलसिला जाने को जिस वक्त जो हाजिर दिया जाए, जिस वक्त जो हाजत याद आ गई और उन दिल से या दबान से मांगना शुरू कर दो, उसे भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं, जब भी अपनी ज़रूरत हो अल्लाह हर वक्त देख रहा है सुन रहा है, इधर आप अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ करके अपनी हाजात को पेश करते रहो। जब दुआ की हकीकत मालूम होगी तो इस हकीकत के मुआफ़ी दुआ मांगो, फिर देखो कैसी बरकत होगी, हजरत हाजिर है दुआ के हकीकत मालूम होगी, इस तरह से दुआ करो फिर देखो बरकत कैसी आई होती है। और बरकत का ये मतलब नहीं कि जो मांगोगे वही मिल जाएगा, कभी तो वही चीज़ मिल जाती है जैसे कोई आकर किसी मांगे, क्योंकि वो बंदा के लिए भलाई है, अलबत्त इसमें माँ है काश शर्त है, क्योंकि वहाँ की चीज़ें कानून उसी शर्त को मिल सकती हैं और कभी वो चीज़ मांगनी नहीं मिलती जैसे दुनिया की चीज़ मांगे, क्योंकि वो बंदे के लिए कभी भलाई है कभी नहीं भलाई, इसलिए वो दुआ दुआ कबूल नहीं होती। तो समझ लो कि ये हमारे लायक ही नहीं थी, कि ग्राह तारी ने बातें बहुत अच्छा है, परेशानी और कमजोरी जाती रहती है, और ये अगर अल्लाह के इस खास तवज्जो को जो दुआ करने से बंदे के दिल में तवज्जो होती है, इस ग्राह पर दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लिखा है। अल्लाह ताला से दुआ में करने में घबराने के चाहिए, यहाँ तो हो सके खुशी के साथ और इंतहाई लजाजत के साथ दुआ का मामला करते ही रहना चाहिए। अब दो चार हदीसें दुआ की फजीलत में लिख रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों की दुआ कबूल होती है तो वक्त की किसी गुनाह या रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की दुआ न करें, गुनाह के बाद कबूल नहीं करता। अजीज करीब के साथियों को ये मत हो जाए, ये बीमारी हो जाए, ये मतलब ये दुआ कबूल नहीं होती, जब तक कि जल्दी न बचाए, जल्दी भी न बचाओ। अर्ज किया गया कि यार रसूलुल्लाह जल्दी बचाने का क्या मतलब है, आपने फरमाया जल्दी बचाना यह है कि यूँ कहने लगे कि मैंने बार बार दुआ की मगर कबूल होती तरह नहीं आती है, ये न करो बार बार करूँगा करते रहो एक ही जरूर कबूल होगी। हजरत अबू ऐसे रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खुदा ताला के नबी दुआ से बढ़कर कोई चीज़ कदर की नहीं है, बहुत ज़्यादा महबूब। बंदा जब दुआ करता है अपनी ज़रूरत को पेश करता है, अपने आजमी का इजहार करता है, अल्लाह को बहुत पसंद है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज जो फखरी आजमी मेरे लिए फख्र की बात है, हजरत इब्न उमर से रवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, दुआ हर चीज़ से काम देती है, हर चीज़ मेरे काम आती है, ऐसी बड़ा से भी जो कि गाड़ी होती है, बड़ा से गाड़ी हुई दुआ करो बड़ा दूर भी हो सकती है,
और ऐसी बला में भी काम आती है जो नाली में हुई है, हो सकता है कि दुआ से वो बला आ ही रख पाए। हम दुआ की नहीं लगते। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता अल्लाह ताला उसका गुस्सा करता है। तिर्मिज़ी अहमद रवायत, अलबत्त जिसको उसकी धुन और ध्यान से फिक्र न हो वो इसे गाती नहीं। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हाले में दुआ किया करो कि तुम उम्मीद का यकीन रखो कि जरूर हमारी दुआ को बोल दो। यकीन जितना ज़्यादा होगा उतनी एजामत के अकरब एजामत में कबूलियत के करीब होगी। और ये ध्यान रखो कि अल्लाह ताला नफरत से भरे दिल से कबूल नहीं करता। दिल ही सही के बारे में दुआ को यानी दुआ को तवज्जो से करनी चाहिए। और एजामत के दो तरीके ऊपर ध्यान किए हैं वही कबूलियत के लिए, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। एक दर्जा उसका आम है जो आगे हदीस में आता है, हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो कोई दुआ करे जिसे गुनाह और पता रहम न हो और अल्लाह ताला उस दुआ का जवाब उनको तीन चीज़ों में से एक चीज़ जरूर देता है। या तो फिलहाल वही दुआ दे देता है जो दुआ में मकसूद है वो मकसद आते रहता है, या उसको आखिरत के लिए जखीरा कर देता है, या तो वही आमिल या आखिरत के लिए जखीरा कर देता है, या कोई ऐसी बुराई से हटा देता है। सर कोई बुराई है हटा दिया, यही तो दुआ की कबूलियत की है। कोई मर जाने वाला था, कोई हमला करने वाला था, उसे बच गया। साहबा ने अर्ज किया इस हाल में तो हम खूब कसरत से दुआ करेंगे। जब दुआओं में ये चीज़ें मिलती हैं तो दुआ में खूब कसरत से करेंगे। आम ने फरमाया खुदा के यहाँ इससे भी ज़्यादा अता की कसरत है। जैसा मांगो और मांगो अल्लाह देने वाला है। मुझे खाता माँ इन बटू जन फलो माँ इन लगता है माँ तुम्हारे नदी जो कुछ है वो फना हो जाने वाले हैं। अल्लाह के यहाँ जो नौबत है जो दौलत है वो बाकी रहने वाली है। हजरत अनस से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में से हर शख्स को अपने रब से सब हालतें मांगनी चाहिए। और साबित के रवायत में है यहाँ तक कि नमन से मांगो। खुद उर्दू से रवायत मैंने देखा है कि उर्दू ऐसी चीज़ें नहीं मांगते मांगे और जूती का चश्मा टूट जाए वो भी उसी से मांगे। यानी ये ख्याल न करें कि ऐसी हकीसी इतने बड़े खुदा से क्या मांगे। खुदा के नजदीक तो बड़ी चीज भी छोटी है और छोटी को अल्लाह बड़ी कर दे। जब बड़ी को छोटी कर सकता है छोटी को बड़ी, तो अल्लाह ताला से बड़ी चीज मांगो और छोटी चीज मांगो बराबर है। या कलाम उर्दू या कर से हम आप ही से मदद तलब करते हैं। दुनियावी जो बड़े बड़े उमूर है उसमें भी आप ही से मदद तलब करते हैं और छोटे छोटे उमूर है उसमें भी आप ही से मदद करते हैं। सही में ये सब करते हैं। अल्लाह ताला हम सब दुआ की हकीकत से आगाह फरमाए, दुआ की खासियत से आगाह फरमाए और दिल से दुआ करने की तौफीक दे। ये रमजान मुबारक है, जाहिर है कि अल्लाह ताला ने इसको इजाबत ही का महंगा है। जो मांगो मिलेगा मगर दिल से मांगो आदे से मांगो अल्लाह हमको भी तौफीक दे। आप सभी हजरात जो मुसीबतें हैं जो बलाएँ हैं हमारे सामने उन बलाओं को दूर करने के लिए ज़्यादा अल्लाह की तरफ इंतजार इससे दुआ की जरूरत है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। आपको दवाना अल्लाह दुआ पर मजमून हुआ है। दुआ थाने ने बयान किया है, यहाँ शब्द मत से बयान किया और यहाँ होता है यहाँ दिन खुशी से बयान हो पाया है। अल्लाह मजमून का हमारे ऊपर असर दे और आपके कहने के मुताबिक लिखने के मुताबिक अल्लाह हमको दुआ करने की तौफीक दे और हमारी तमाम हाजतों को चाहे गाही हो या बातिन हो अल्लाह ताला तमाम हाजात को तमाम मुरादों को अल्लाह पूरी फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अहकाम अहरवायात को भी दीन और ईमान की तरह से दवा दे, इब्तिदा से बचाए, बिदआत से बचाए, खुजूर को फिक्र और खुजूर मासी से बचाए। ये महीना मुतबर्रक महीना है। अल्लाह इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत तिलावत दुआ करने की तौफीक फरमाए और दुआओं को
ہمارے لیے بھی بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کو قبول فرمائے. ہر جگہ آفات اور بلیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان آفات اور بلیات سے تمام امت کو مدد فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى